सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के अंतर्गत शनिवार को सिविल लाइन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल, कुश्ती एवं हॉकी खेल की प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पधन जैन रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया। हॉकी प्रतियोगिता में बालक वर्ग प्रथम सेमीफाइनल MLZ स्कूल बनाम लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें MLZ स्कूल ने लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी को 6-1 गोल के अंतर से पराजित किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में भैरवपुर बनाम MP इंटर कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें भैरवपुर ने MP इंटर कॉलेज को 25-17, 25-12 अंकों से पराजित किया। कुश्ती प्रतियोगिता में ग्राम निवासी निखिल कृष्ण ने नगर निवासी सोनू रीजनल स्टेडियम को 40 किलोग्राम से मात दिया। ग्राम निवासी रुदल कृष्ण ने नगर निवासी सन्नी यादव को 45 किलोग्राम से मात दिया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष विशाल सिंह, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, पूर्व पार्षद मनीष सिंह, समरेंद्र विक्रम सिंह तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी अमित सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पधन जैन ने कहा, एमपी की यहाँ बैरकपुर के दल बॉल में लेकिन चकमा देने की कोशिश, और इसी साथ बढ़िया सर्विस बैरकपुर की, गुड पास वहाँ पे एंटर कॉलेज का, लेकिन फाउल दे दिया गया। यहाँ शॉट बॉल को ब्लॉक करते हुए गोने भैया यहाँ पे आठ बार बैठे हैं। आज गुड लिफ्ट यहाँ पे अच्छा डिफेंस, यहाँ पे इजी क्रॉस किया, यहाँ पे रैली चलती हुई अटैक करते हुए एम पेंटर कॉलेज के सर्विसर यहाँ पास नहीं जो पहुँचा पाया। बॉल लिफ्ट कर दिए गए लेकिन आराम से क्रॉस किया, यहाँ बॉल लिफ्ट हुआ जगह चाल।
हाँ बोलो नेता खेल स्पर्धा जी महाकुंभ का आयोजन किया गया। हाँ, इसका प्रारंभ कल से हुआ। हमारे आदरणीय सांसद रवि किशन जी ने कल इसका शुरुआत किया है और यह जो है भी करीब करीब 20 दिन तक यह स्पर्धा चलेगी और 16 तारीख को इसका समापन है। आदरणीय हमारे बगल में श्री धीरज सिंह जी हैं और मनीष सिंह जी हैं। यहाँ पर बहुत से सांसद प्रतिनिधि सब हैं यहाँ पर और तमाम खेल प्रेमी यहाँ पर अतिथि लोग आए हैं और कल से ही प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से गोरखपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि सांसद जी ने इतना बड़ा आयोजन गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने इस खेल के माध्यम से दिया है कि ये 20 दिन के अंदर जो भी खिलाड़ी हैं वह प्रतिस्पर्धा में आवें और अपना हुनर दिखा करके एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और इस प्लेटफॉर्म से अपने को प्रस्तुत करके एक अपना नाम जो है इस स्पर्धा में लाएंगे और उनका नाम आएगा तो आगे उनको स्कोप रहेगा बढ़ने का। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म सांसद जी ने दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। और यहाँ पर जो लोग इस टीम में काम में इसमें लगे हुए हैं उन सबको भी हमारे तरफ से, हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सबके अंदर इतनी अच्छी भावना और इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में जो कार्य हो रहा है यह अपने आप में सराहनीय है। और हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी जो है खेल को बहुत आगे बढ़ाने में पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश हमारे योगी जी भी इसको बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, खेल खिलाड़ियों को बहुत अच्छे अच्छे इनाम भी दे रहे हैं जो खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। तो एक बार पुनः आपके माध्यम से सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई और खेल में जो भी प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ी आवें वह एक अच्छे भावना से खेल को खेलें और निश्चित रूप से समझ के आवें कि हम को जीतना है, ऐसे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए खिलाड़ी आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामना। जय जय भारत।